हेलो गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है नूबिया की ओर से आने वाले एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि होगा नूबिया प्ले 5G। इसमें आपको बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिलेंगे और जो इसका प्राइस रेंज रहने वाला है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि अब तक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे कन्फर्म स्पेक्स, प्राइस रेंज और इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.65 की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि एक एमोलेड पैनल रहने वाला है। और इसी के साथ इसमें आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको कोई भी पंच होल या फिर नॉच देखने को नहीं मिलती है। इसमें जो आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं, जिस वजह से इसी के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में आने वाला प्रोसेसर है, जिसमें आपको कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ इसमें आपको एड्रिनो 620 का GPU देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से गेमिंग की एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर अगर हम बात करें, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा जो कि है कूलिंग सिस्टम। इसमें आपको आइस 2.5 का कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें आपका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाएगा। और इसी के साथ बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नूबिया की ओर से नूबिया UI सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट की, तो इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 6GB एंड 8GB रैम वेरिएंट और इसी के साथ 128GB एंड 256GB के स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। यहीं पर बात करें इसके बैक साइड की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आपको फ्रंट फेसिंग कैमरे में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 30W का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहीं पर आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि है वर्चुअल ट्रिगर। जैसा कि आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा से टच बटन दिए जाते हैं, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो जो इसका प्राइस रेंज है चाइना में वो है 6GB 128GB के वेरिएंट का 26,000 के अराउंड। और अगर आप यही वेरिएंट इंडियन मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 28,000 के अराउंड। ये स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और वाइट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।